कोविंद जी को बधाई देती हूँ भारत के राष्ट्रपति चुने जाने पर। मैं उन्हें अपनी शुभकामना देती हूँ कि इस कठिन समय में उनके ऊपर संविधान की रक्षा का दायित्व आया है। मैं धन्यवाद दी हूँ श्रीमती सोनिया गांधी को और सभी विपक्ष के मुख्य दलों को जिन्होंने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया और मेरा समर्थन किया। मैं निर्वाचक मंडल के सभी सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे अपना मत दिया। मैं उन सभी देश के नागरिकों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरा समर्थन किया, मुझे शुभकामनाएं दी, मेरा उत्साह वर्धन किया। ये मैं बताना चाहूंगी कि जिस विचारधारा की लड़ाई लड़ने के लिए मैं इस चुनाव में शामिल हुई थी वो आज 20 जुलाई 2017 को समाप्त नहीं हुई है। विचारधारा और मूल्यों की ये लड़ाई जाएगी क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे लोग इसमें विश्वास करते हैं और इसमें अपना संबल पाते हैं। सामाजिक न्याय, पारदर्शिता, सबको लेकर हमारी इच्छा, धर्मनिरपेक्षता, प्रेस की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, जाति पाति का विनाश, हम ये सब चाहते हैं और निरंतर इसके लिए इतनी ही शक्ति के साथ लड़ते रहेंगे। आप सब ने मुझे हमेशा साथ दिया है मेरा, आप सबको धन्यवाद। आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट श्री कोविंद जी ऑन हिज इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आवर ग्रेट कंट्री। आई एक्सटेंड माई गुड विशेस टू हिम एज इट हैज फॉलन अपॉन हिम टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया in letter and spirit in these most challenging times. I want to thank all those honorable members of the collegium who have voted for me. I want to thank Srimati Sonia Gandhi and all the leaders of those opposition political parties who unanimously made me their candidate in this election. I want to thank countrymen and women who have extended their good wishes to me and have supported me. I want to make it very clear that today on 20th July 2017, my battle for ideology doesn't end. It will continue. Because the ideology, the value system, the principles that I'm fighting for are held sacred by most of the people of my country. They find strength in it. These are social justice, inclusiveness, secularism, transparency, freedom of expression, freedom of the press, total destruction of the caste system. I will continue to fight for these values at all the strength
at my command. Thank you so much. Thank you so much.